मुक्ति हमें प्राप्ति करनी है, इसलिए भगवान कौन है? प्राप्ति। और जो ये भगवान का भगवान जो है इनको प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए भगवान को साध्य या प्राप्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्राप्य या साध्य, प्राप्य। और हम कौन है? अभी बताया था, जीव कौन है? प्राप्ता। जिसे प्राप्य की प्राप्ति होगी वह प्राप्य। तो ये शब्द हैं थोड़ा सा, है ना, समझने वाले हैं। प्राप्ता, प्राप्ति का मार्ग, उससे प्राप्य की प्राप्ति, है ना। तो ये है, जैसे हम देखते हैं कि भौतिक संसार में अनिल जी एक्सटर्नल अफेयर्स में थे, एम्बेसीज में काम किया, कई सारे वर्ल्ड की कंट्रीज में घूमे रहे। अगर किसी कंट्री के या किसी मटेरियल जॉब के लिए, भौतिक नौकरी के लिए एक पियोन की भी आवश्यकता हो, तो पियोन के लिए क्वालिफिकेशन होती है, 10वीं पास होना चाहिए, चोर नहीं होना चाहिए, ब्लैक मार्क नहीं होना चाहिए, पुलिस का रिकमेंडेशन होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बहुत सारे नियम, तब जाके एक पियोन की नौकरी किसी सरकारी ऑफिस में लगती है। तो भगवान जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, उनका सेवक बनने के लिए, उनका डिवोटी, उनका भक्त बनने के लिए क्या कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए? कोई भी बन जाएगा। एरा गैरा नथु खेरा, ऐसा सुना है, कोई भी बन जाएगा। तो कैसे बन सकते हैं? बोले, भगवान की शरण में जाने मात्र से भगवान कृपा करते हैं, तो इसको कहा गया है शरणागति। क्या कहते हैं? शरणागति। कैसा शब्द है? अगर बोले भगवद गीता का सार क्या है, है ना, भगवद गीता शास्त्र का एक परिभाषिक सूत्र है, कॉन्क्लूजन। जैसे पूरी गीता पढ़ ली, बोले इसका परिभाषिक सूत्र क्या है, किस सूत्र से ये पूरी गीता बंधी हुई है, वो क्या है? शरणागति। सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। डरो मत अर्जुन, तुम सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, तब मैं क्या करूंगा, तुमको सारे पापों से उद्धार कर दूंगा। लोग बोलते हैं मैंने तो बड़े पाप किए हैं। बोले आपने इस जन्म के किए होंगे ना, वो याद होंगे, आपको डर रहे हो। भगवान कह रहे डरो मत, इस जन्म के नहीं, जितने जन्मों में तुमने पाप किए होंगे सबको नष्ट कर दूंगा। इतना समझने के बाद में भी लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, ये सबसे बड़ी गलती है। जिस दिन वो भगवान की शरण में चले गए, अनक्वालिफाइड होते हुए भी भगवान उन पर कृपा करेंगे। ये बात, ये भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्याजम मामेकम शरणम। ये शरणागति के अंदर न धर्म आता है, न ज्ञान आता है, न कर्म आता है, न भक्ति आती है, उसके भी परे ये चीज़ है, इसे शरणागति कहते हैं। भक्ति के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन शरणागति के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। किस किस की शरणागति हो सकती है? तो श्रीमद् भागवतम के अंदर दूसरे स्कंद के चतुर्थ अध्याय में 18 नंबर श्लोक में इस बात को उद्घोषित किया है। किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकशः अभीर शुंभ यवना खसादया ये अन्य चा पापा यद पापाश्रय श्रेय शुद्ध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः। क्या मतलब है? बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें कह रहे किरात, वो लोग जो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, किरात है ना, इंटरनेशनल लोग बहुत रह रहे हैं, किरात जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, हुणांद्र जो लोग मांस खा रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन ईटर्स हैं, हुणांद्र उनको भी भगवान कृपा कर सकते हैं। पुलिंद आंध्र, आंध्र प्रदेश है ना भारत का, आंध्र, आंध्र यानी दक्षिण भारत के लोग हों, चाहे किसी भी जाति का हो, यवन चाहे वो मुस्लिम जाति का क्यों ना हो। हमारे कृष्ण भगवान के भक्त कई मुसलमान हुए, रस खान कौन है? मुसलमान आदमी कहता है अरे सब अपने अपने धर्म का करते, तो रस खान को क्या पड़ी थी कि वो कृष्ण भक्त बन गए? क्योंकि भक्ति का मार्ग, भगवान की प्राप्ति का मार्ग एक ही है, सनातन धर्म। कोई भी किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, बाहर मिलके करते लड़ाई, लेकिन सनातन एक ऐसा है ये सबको वेलकम करता है, इस्लामिक हो क्रिश्चियन हो। आज इस्कॉन के वर्ल्ड में 700 से ज्यादा मंदिर हैं। क्यों? सारे चर्च आज बन गए इस्कॉन टेम्पल। जो लोग चर्चेज में नहीं जाते थे वो लोग मंदिर में जाने लगे, क्योंकि इस्कॉन एक ऐसा सनातन धर्म का केंद्र है जो लोगों को शिक्षा भी देता है और पुस्तक भी देता है और ग्रंथ भी देता है।
बाकी जगह केवल चरणामृत मिलता है और आशीर्वाद मिलता है, ना ग्रंथ मिलते हैं ना शिक्षा मिलती है। तो हम लोग शिक्षा देते हैं, तो भगवान कह रहे हैं खास दया किसी भी जाति का हो, प्रजाति का हो, किसी भी योनि का क्यों ना हो, लेकिन उसे क्या करना है, ये अनेच पाप हो, बड़े पाप किए हो, लेकिन अगर वो एक काम कर ले, यद पाप आश्रय श्रेय, ये दो शब्द हैं आश्रय आश्रय, यानी कि पाप से मुक्त करने वाले भगवान कृष्ण मुक्तिदाता एक मुकुंद है, उनके आश्रय में जो आश्रित हो उसके आश्रय में चले जाओ, पाप आश्रय श्रेय, ये दो शब्द हैं, आश्रय वस्तु के आश्रय में जाना। लोग बोलते हैं ना अजी हम इंसान की शरण में क्यों जाएं, जाना है तो भगवान की शरण में जाएंगे ना, भगवान लेंगे ही नहीं आपको डायरेक्ट। भगवान ने भागवत में कहा यद पाप आश्रय श्रेय, एक भक्त की शरण में जाना पड़ेगा और फिर उसकी शरणागति होते ही शुद्ध्यन्ति तस्मे, भगवान प्यूरिफाई कर डालेंगे, पूरा हृदय शुद्ध हो जाएगा। मैं पापी था, मैं दुराचारी था, मैंने बड़े गंदे काम किए, गिल्टी कॉन्शियस होता है ना, डकैत होते हैं, बहुत घूमते हैं पूरा जीवन, लास्ट में क्या करते हैं, सरेंडर, अब हम पर गोली मत चलाओ, सरेंडर। तो सरेंडर को क्या बोलते हैं, शरणागति। जब शरणागति करी तो गवर्नमेंट भी उसका कुछ नहीं करती, कहती बहुत बढ़िया, तुम डकैत थे, गंदे काम किए, लेकिन अब तुमने क्या कर दी है, शरणागति। तो जो व्यक्ति गंदे काम किया हो जीवन में, पूरा उसने डकैती करी हो, झूठ बोला हो, उसने कोई भी गंदे काम किए हो, उसको लगता हो मदिरा पान किया, मांसाहार किया, जो भी किया हो, लेकिन लगता है कि नाउ इट्स टाइम टू रिवाइव, अब समय आया है बदलने का, तो भक्त की शरण ग्रहण करे। शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवे विष्णवे नमः, भगवान की ऐसी कृपा होगी तुरंत वो शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि भगवान की शरण में जाना का मतलब है विश्वास के साथ शरण में जाना। लोग आते तो हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। मान लो यहाँ भगवान का फोटो लगा है, यहाँ पर स्पार्क होने लग जाए, जोर जोर से आग लगे, तो क्या करेंगे, सब भाग जाएंगे। ये भगवान है जो पूरी ब्रह्मांड के नायक है, रक्षक हैं, ये आपका स्पार्क नहीं रोक सकते, लेकिन ये बात का विश्वास आपको नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है, पैसे आ जाएंगे क्या भगवान की शरण में जाने से, घर चलाने के लिए रोटी कमाने तो जाना ही पड़ता है ना। आपका विश्वास कितना है, वहाँ है विश्वास, छोड़कर देखो ना, रोटी मिले तो बताना, लेकिन छोड़ने की शक्ति नहीं है क्योंकि शरणागति का भाव ही नहीं है। अरे आप अपनी क्या बोलते हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा सुग्रीव जो कि बड़े शिरोमणि हैं भक्त भगवान के, जब भगवान रामचंद्र वनों में विचरण करते घूम रहे थे, हनुमान जी को भेजा गया जाओ परीक्षा लेकर आओ, ये कौन है, दो वानर दो बालक कौन है, तो हनुमान वानर स्वरूप ब्राह्मण का वेश लेके गए और राम लक्ष्मण का टेस्ट लिया, पता चल गया ये तो मेरे प्रभु हैं, कंधे पर बिठा कर ले आए, किष्किंधा कांड के अंदर ये आता है, किष्किंधा नगरी में लाए, अब लेकर तो आ गए अपने साथ में, सुग्रीव को बोले ये प्रभु राम है और इनका भी वही प्रॉब्लम है जो आपका प्रॉब्लम है, क्या, सुग्रीव की पत्नी को बाली हरण करके ले गया है आपका भाई और इनकी पत्नी को रावण हरण करके ले गया, तो दोनों एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं ना, क्योंकि सेम प्रॉब्लम है दोनों का, तो बोले ये आपकी मदद करेंगे प्रभु, तो बाली कहता है अच्छा इतनी शक्ति है, आइए मैं बताता हूँ किससे लड़ना है आपको। बाली इतना शक्तिशाली है, इसने दुंदुभि नामक एक बड़े राक्षस को मारा था जिसका वजन तकरीबन 2000 किलो, उसकी हड्डियाँ, मर गया है बहुत समय पहले, उसकी 2000 किलो की हड्डियाँ रखी हुई हैं, इतना बड़ा ढेर बना हुआ है। भगवान बोले ये इसको मारा था बाली ने, बोले हाँ छोटा मोटा दुश्मन नहीं है मेरा, ये है बली। तो उन्होंने कहा अच्छा बाली को अब मारना है, तो भगवान ने ऐसे स्पर्श किया अंगूठे का, तो 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर समझते हैं कि 40 कोस, 120 किलोमीटर यहाँ से वृंदावन पहुँच जाएँ आप, एक लात में, लात भी नहीं स्पर्श मात्र से 120 किलोमीटर हड्डियाँ जाके गिरी। जब गिरी तो वाली बोला मरे हुए की हड्डी को टांग लगाकर फेंक दिया, और आप कह रहे हो बाली के, अरे उसने जिंदा दुंदुभि को मारा था, छील कर रख दिया पूरा केले के छिलके के समान, और फिर बाद में उसकी हड्डियाँ बची हैं। तो भगवान बोले अच्छा और कुछ बताओ टेस्ट करना हो, शरणागत नहीं कर रहा है टेस्ट, हम लोग भी यही करते हैं, अगर भगवान है तो ये कर दिखाए तब शरण में आऊँगा, करके दिखाए। मुझे एक व्यक्ति ने फ़ोन किया, बोले हमारा बेटा आजकल मांस नहीं खाता, माला करता है, इस्कॉन जाने लगा है, अगर आप उसे सुधार दें तो मैं आपकी शरण में आ जाऊँ।
मैंने कहा फायदा क्या होगा, मैं उसको सुधार के खिलाऊंगा, फिर आप मेरी शरण में आओगे, फिर आपका बंद करवा दूंगा। तो इस तरह से लोग शरण में आते हैं, पहले कहते हैं परीक्षा लेंगे, टेस्ट करें ये हमारे लायक हैं कि नहीं। तो वाली ने भी टेस्ट किया, वाली के लिए सुग्रीव ने टेस्ट किया। सुग्रीव कहते हैं अगर आप ये 7 वृक्षों को एक तीर से भेद सकते हैं, मतलब एक तीर मारिए और 7 को भेद दीजिए, तो मैं मानूंगा आप वाली से युद्ध कर सकते हैं। भगवान राम ने कहा बस इतनी सी बात करा। तो भगवान ने तीर निकाला, चढ़ाया तीर कमान पर अपने धनुष बाण पर और छोड़ दिया। तो एक पेड़ को, दूसरे पेड़ को, अलग अलग डायरेक्शन में पेड़ों को किया और सप्तताल वृक्ष थे, ताल वृक्षों का भेदन करते हुए पाताल में नीचे गया, जितने ताल पाताल में थे सबको भेद किया, फिर वापस तरकस में आकर लग गया। भगवान वाली को, वाली के इस मतलब भगवान श्री राम के इस रूप को देख करके सुग्रीव बड़े प्रसन्न बोले, हाँ मुझे लगता है आप में कुछ अभी भी कुछ दम है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं सुनहा सुग्रीव मारहूं बाली ही एक ही बाण। मैं बाली को कैसे मारूंगा एक बाण से, तुम बात कर रहे हो इतनी सारी चर्चा कर रहे हो, ये करेगा वो करेगा। सुन सुग्रीव मारही हूँ बाली एक ही बाणा, ब्रह्मा रुद्र शरणागत गए ना उबरा ही प्राणा। अगर वो तीर लगने पर ब्रह्मा जी की शरण में जाएगा कि ब्रह्मा जी बचा लो मुझको राम ने मारा है, या शिव जी रुद्र की शरण में जाएगा कि मुझे बचा लो राम ने तीर मारा है, ब्रह्मा रुद्र शरणागत गए, अगर उनकी शरण में भी जाएगा ना उबरे ही प्राण, उसके प्राण नहीं बच सकते हैं। यानी कि अगर शरणागत होना चाहे कोई कि चलो हम शिव जी के शरणागत हो जाएं, चलो हम ब्रह्मा जी के शरणागत हो जाएं, भगवान राम कहते हैं जब तक मेरी शरण में नहीं आओगे बचने का कोई तरीका। अरे बाप रे, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए और कोई रास्ता ही नहीं है, नो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, बचना चाहते हो नरक में नहीं जाना चाहते हो तो शरणागति कर दो ठाकुर जी के चरणों में, ऐसा यहाँ बताया गया। लोग बोलते हैं कि भगवान के शरण में जाने के लिए भगवान कोई तो विचार करते होंगे ना कि कैसा विचार है, तो हम विचारों पर थोड़ा विचार करें कि भगवान कैसे विचार करते हैं। कहते हैं भगवान किसी अशुद्धि का विचार नहीं करते, जैसे ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि माताओं का जब मासिक धर्म होता है तो उस समय किचन में नहीं जाना चाहिए और उस समय भगवान की भजन नहीं करना चाहिए, लेकिन शरणागति के लिए उसकी भी ज़रूरत, भाई भगवान के विग्रह की पूजा नहीं कर रही लेकिन शरणागति तो मन की बात है ना, तो मन से शरणागत हो जाए, भगवान का नाम जप करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम बोले, अरे ऐसा कोई दृष्टांत है, उदाहरण है जब स्त्री रजस्वला हो अपने मासिक धर्म में हो और भगवान ने उसकी शरणागति स्वीकार करी हो? बोले हाँ, कौन है? द्रौपदी रजस्वला थी और उनको जब उनके पति हार गए जुए में तो दुशासन को कहा दुर्योधन ने जाओ खींच लाओ जिस भी अवस्था में हो। तो रजस्वला स्त्री अपने अकेले कमरे में आधे कपड़ों में बैठी हुई थी, उसी निर्वस्त्र स्थिति में जो भी पहना था उसको पहनाते हुए बालों को खुला रखा था, खींच करके ले आए, किसी ने रक्षा नहीं करी, ना तो पंच पांडवों ने, ना भीष्म पितामह ने, ना ही किसी धृतराष्ट्र ने, किसी ने उनकी रक्षा नहीं करी। जब उनको लगा कि कोई रक्षा नहीं कर रहा है तो उन्होंने सोचा मैं क्षत्रिय की पुत्री हूँ, द्रुपद महाराज यज्ञ कुंड से पैदा हुई थी, मैं बदला लूंगी, और अपने हाथ से जोर लगाने लग गई। लेकिन जब लगा ये हाथ का जोर भी छूट रहा है तो उसने भगवान को क्या कर दी? लोग बोलते हैं आपके मंदिर में आते हैं लोग हाथ क्यों खड़े कर देते हैं ऐसे, आपके यहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ ऐसे खड़े रहते सारे दिन, इसका क्या मतलब है? बोले इसका मतलब है जिस प्रकार द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके शरणागति करी, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं दोनों हाथ ऊपर करके क्या कर दो, ये दोनों हाथ ऊपर करने का मतलब ही प्रभु आपकी शरण में। मान लो डाकू आ जाए और वो बैंक में लूटपाट करने वाले और उतने में पुलिस आ जाए और वो पैसे लेकर भाग ही रहते और पुलिस ने अब तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, तो क्या करेगा वो? क्या करेंगे? हाँ जी, सरेंडर। पुलिस क्या कहती है? हैंड्स अप। तो हैंड्स अप करिए, सारे लोग अपने हैंड्स अप,
बोले ये हैंड्स अप जब कर देते हैं तो भगवान अपनी माया की गोलियां चलाना बंद कर देते हैं। तो ये होता है शरणागति। प्रभु हमने क्या कर दिया आपको, शरणागति है। तो राधा रानी जो हैं भगवान के सबसे नज़दीक रहती हैं और श्रीमती राधा रानी बड़ी कृपा करती हैं। क्या करती हैं, क्यों राधा रानी सदा कृष्ण के साथ रहती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर शरण में आने की इच्छा भी व्यक्त करे कि अरे प्रभु जी लेक्चर तो बढ़िया दे रहे हैं, चलो आज मैं भी सोचूं, जो रहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सिंधी जो था आज भगवान की शरण में चलता हूं, अगर ये मन में विचार आए, लेकिन बाहर जाके उसका विचार बदल सकता है, तो राधा रानी उसका नाम नोट कर लेती हैं। विचार आने पर राधा रानी नोट कर लेती हैं, फिर कृष्ण को रिक्वेस्ट करती रहती हैं, अरे जैसा भी है तो तुम्हारा। कृष्ण कहते नहीं नहीं शरणागत कहाँ हुआ, बोले नहीं हुआ नहीं है, विचार तो है उसके, तो तुम थोड़ी कृपा करो ना उस पर। भगवान कृष्ण कहते अच्छा इस पर कृपा करनी है, तो भगवान चैत्य गुरु के रूप में हृदय में बैठे होते हैं, अपना एक डिवोटी आपके जीवन में भेज देते हैं, राधा रानी की रिकमेंडेशन से आता है, ऐसे नहीं मिलता है। तब वो डिवोटी अगर आपको कहता आइए आइए आप भगवान कृष्ण की शरण में आइए, अब आपके पास दो रास्ते हैं, शरण में गए तो उद्धार हो जाएगा, शरण में नहीं गए तो बेकार हो जाएगा जीवन। अब आपके हाथ में रास्ता होता है, जीवन को ऐसे ही शमशान में राम नाम सत्य कह के गुजार देना है या सच में भगवान की शरण में जाकर जीवन का उद्धार कर लेना है। आजकल लोग कैसे हैं, लोग कहते हैं गाना गाते हैं, ये तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। क्या है, तन मन धन सब तेरा हो गया। अब वही व्यक्ति बाहर आता है मंदिर से आरती गा के, तो कोई महात्मा पूछते हैं भक्त क्या हुआ बड़े उदास लग रहे हो, प्रभु जी मन बड़ा चंचल है, मन कहीं लग नहीं रहा। अरे तुम्हारा है, भगवान अंदर हंस रहे होते हैं, अभी तो इसने अपना मन मुझे दे दिया था, तन मन धन सब तेरा। भगवान समझ जाते हैं नकली आदमी झूठे आदमी खामा खा आरतियां गा रहा है, ना देने के लिए तेरे पास 10 रुपए से ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, 50 रुपए से ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, यहाँ 500-500 रुपए अभी लिफाफे के अपने रिश्तेदारों में बांटेंगे, 1100-1100 रुपए के शगन चढ़ेंगे, 5-5 हजार के भगवान को 10 रुपए 50 रुपए, फिर गाएंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कहते हैं अरे झूठे नकली, तो गाना बदल देना चाहिए इनको, क्या कहना चाहिए इनको, बोलना चाहिए तन मन धन सब मेरा, सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा, जय जगदीश हरे। प्रभु सब कुछ मेरा है मुझे दे दो। सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग में लोगों में परिवर्तन हुआ। सत्ययुग के लोग कहते थे जो कुछ है प्रभु सब तेरा, सब कुछ तेरा है, शरणागति का भाव रखते थे सत्ययुग में जीव। त्रेता का युग आया, लोगों में थोड़ा सा बुद्धि का विकास हो गया और अपनी बुद्धि के अंदर वायरस आ गया। जब बुद्धि में वायरस आ जाता है तो उसको लोग विकास कहते हैं, जैसे आजकल लोगों ने इतना वायरस बना लिया, एंटीवायरस बना, तो इसको एडवांस सोसाइटी कहते हैं। अरे बोगस सोसाइटी है, एडवांस काय बात की है, वायरस बनने से पहले एंटीवायरस बनता है और एंटीवायरस बनने से पहले वायरस बनता है, दोनों की दौड़ चलती रहती है, हर बार अपग्रेड करते रहो बैठ करके, है कि नहीं। तो कुछ भी नहीं एडवांस सोसाइटी, इससे पहले ना फ़ोन थे ना टेंशन थी, जितना फ़ोन आया उतनी टेंशन कम हुई कि बढ़ गई, जितनी गाड़ियां कम थी तो जितना जीवन सुखी था, जितनी गाड़ियां बढ़ गई तो उतना ट्रैफिक कम हो कि बढ़ गया। तो प्रॉब्लम बढ़ती है एडवांस सोसाइटी में, घटती नहीं है। लेकिन जब त्रेता युग आया तो लोगों ने क्या किया, एक गोलाकार बना दिया चक्कर, और जितना सामान था धन दौलत उसको आकाश में उछाला और बोले इस गोले के अंदर जितना गिर गया वो मेरा और गोले के बाहर जितना गिरा वो तेरा। अब अंदर तो बहुत कम गिरेगा, छोटा सा गोला है, सारा बाहर गिर गया, तो 90% भगवान का 10% इंसान का। द्वापर काल आया, दुर्योधन आदि की वृत्ति आई,
तो लोगों के अंदर और ज्यादा वायरस भर गया। उन्होंने गोला बनाया, सामान ऊपर फेंका, बोले जो अंदर गिरा वो तेरा, जो बाहर गिरा वो, तो 90% अपना कर लिया, 10% भगवान को देते थे। परिचार्यम द्वापरम, द्वापर काल में परिचार्या थी। कलयुग आया, कलयुग में बुद्धि में 100% वायरस घुस गया। इन्होंने गोला ही नहीं बनाया, इन्होंने इन्होंने आकाश में उछाला, बोले प्रभु जो ऊपर गया वो तेरा, जो नीचे आया वो मेरा। तो इनकी ऐसी शरणागति है ना, क्या ही की शरणागति है व्यक्ति की। एक बार एक व्यक्ति था, बोलते हैं कि गुरु के शरण में जाना चाहिए, गुरु जी जो कहें उस बात को 100% मानना चाहिए। गुरु जी ने कहा आज तुम्हें भगवान की शरणागति करनी है तो करनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि कल करेंगे परसों करेंगे, पोस्ट डेटेड चेक्स, ऐसा नहीं। जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला मैं आपको उपदेश देता हूँ, अगर स्वस्थ होना है तो हल्का खाओ। क्या खाओ? हल्का खाओ। चला गया, जाके सोचने लगा, विचार करते ना लोग घर जाके, एनालिसिस करते, इन्होंने जो बात बोली इसमें कितनी सच्चाई है। डॉक्टर की बात को एनालिसिस किया, बोला मिट्टी और पानी अगर घोला जाए तो मिट्टी नीचे रह जाती है और ऊपर क्या रह जाता है, यानी मिट्टी से हल्का क्या है, तो मुझे पानी पी लेना चाहिए, पानी पर रहता हूँ। फिर विचार किया, बोले पानी में अगर तेल मिलाया जाए, घी मिलाया जाए, तो पानी पे तैरता रहता है कि डूब जाता है, यानी पानी से हल्का तेल है। और कढ़ाई में जब तेल हो और उसमें पूड़ी तैर रही हो तो तेल से हल्की तो मुझे पूड़ी खा लेनी चाहिए क्योंकि सबसे हल्का। तो ऐसे लोग विचार करते हैं अपनी बुद्धि लगा लगा करके और फिर शरणागत नहीं होते भगवान के। लोग बोलते हैं आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी, प्रभु जी अगर कोई अंधा हो तो क्या वो यज्ञ आदि भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है? बोले नहीं, अंधा व्यक्ति घी का प्रोक्षण नहीं कर सकता, अंधा व्यक्ति घी का प्रोक्षण नहीं कर सकता। जब यज्ञ होगा तो कोई अंधा आदमी घी को देखेगा नहीं, नेत्रों से प्रोक्षण किया जाता है, प्रोक्षण यानी शुद्ध, और फिर घी को उठाकर यज्ञ कुंड में स्वाहा स्वाहा डाला जाता है। अब अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ के डलवाना पड़ेगा, यज्ञ कुंड कहाँ है क्या है, प्रोक्षण कैसे करेगा? बोले लंगड़ा व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले लंगड़े को परिक्रमा लगानी होगी तो 3 आदमी चाहिए परिक्रमा लगवाने के, कैसे लगाएगा? कई यज्ञ में ऐसे कार्य होते हैं जिसमें पैरों की आवश्यकता होती है, खड़े होकर के घी को आकाश मार्ग तक ले जाना और उसकी धारा को पूरा घी कुंड में डालना, उसके लिए उठना पड़ेगा आकाश की ओर ऐसे एड़ियों को ऊपर करके, कैसे करेगा व्यक्ति पूर्ण आहुति से पहले? लंगड़ा व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता। बोले तो गूंगा व्यक्ति? बोले गूंगा व्यक्ति तो मंत्री नहीं बोल सकता, बिना मंत्र के कैसे यज्ञ होगा? बोले अंधा गूंगा लंगड़ा कैसा भी हो लेकिन शरणागति का वो भी अधिकारी है, कोई भी व्यक्ति शरण में जा सकता है, भगवान उसको भी रिजेक्ट नहीं करते हैं। बोले अच्छा ज्ञान, ज्ञान मिल सकता है? बोले नहीं, ज्ञान पाने के लिए अधिकारी होना जरूरी है। पहले आपने 10वीं की हो तो 12वीं का ज्ञान, 12वीं करी हो तो ग्रेजुएशन का ज्ञान, भगवत गीता पढ़ी हो तो भागवत का ज्ञान, भागवत पढ़ी हो तो पहले कुछ पढ़ा हो तब अगला आगे बढ़ता है। ज्ञान अधिकार गुरु और वैष्णव कृपा से मिलता है, ज्ञान अधिकारी। बोले फिर कर्म? बोले कर्म अधिकारी है, कर्म करने के लिए स्किल होनी चाहिए। तुझे रोटी बनाना आता है तो कुकिंग सेवा, झाड़ू लगाना आता है तो झाड़ू सेवा, लकड़ी से कुछ बनाना आता है तो भगवान का आप रथ बनाओ, आपको कपड़े सिलने आते तो भगवान की ड्रेस बनाओ, स्किल होगा तो कर्म में लगाया जाएगा। बोले फिर अगर कोई स्किल ही ना हो तो? बोले ध्यान कर लेंगे। बोले ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए 100 वर्षों तक एक स्थान पर बैठकर अपनी आंख को नाक के अग्रभाग पर मेडिटेट करना हो तो कर सकता है? कमर में दर्द हो जाएगा, 5 मिनट से ज़्यादा आंख बंद करके बैठ नहीं सकता। इसको याद आएगा, व्हाट्सएप में मैसेज आया होगा, चेक कर लूँ, कैसे बैठेगा ध्यान करने? नहीं कर सकता। तो बोले अब फिर ऐसा व्यक्ति क्या करे जो ज्ञान अधिकारी नहीं है, जो भक्ति अधिकारी नहीं है, जो व्यक्ति ध्यान अधिकारी नहीं है, जो व्यक्ति कर्म अधिकारी नहीं है, क्या करे? भगवान को केवल शरणागति कर दे, उतने मात्र से भगवान उसको स्वीकार कर लेते। शास्त्रों में एक श्लोक आया जिसे स्त्रोत रत्न नामक एक अध्याय में बताया गया, न धर्मो निष्ठो न च आत्मवेदी न भक्तिमां त्वात चरणारविंदे
अकिंचनो अन्य गति शरण्यम त्वदपाद मूलम शरणम प्रपद्ये। बहुत सुंदर श्लोक है। न धर्मो निष्ठो, अगर कोई व्यक्ति धर्मनिष्ठ नहीं है, कौन होता है धर्मनिष्ठ? कौन होता है धर्मनिष्ठ? हाँ जी, कौन है धर्मनिष्ठ? जो व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन करता है। जो धर्म का नियम पालन नहीं करता वो तो पशु है। लेकिन धर्म का कोई 100% करता है, कोई 10, कोई 5, कोई 50। न धर्मनिष्ठो न च आत्मवेदी। आत्मवेदी सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में नहीं लगा हुआ है, न धर्म में प्रतिष्ठित है। न भक्तिमाम, न भक्ति कर पाता है, न माला हो रही है इससे, न गीता पढ़ी जा रही है, ना समझ में कुछ आ रहा है, मंगल आरती पहुंचा नहीं जा रहा। न भक्तिमाम त्वात चरणारविंदम, लेकिन फिर भी आपकी चरण का अभिलाषी है। अकिंचनो अन्य गति शरण्यम, क्या करना चाहिए? अनन्य गति, यानी भगवान को छोड़कर और कहीं गति ना हो, ऐसा भाव रख ले। बोले अब हम अनन्य भाव से भगवान आपकी शरण में आए हैं। त्वदपाद मूलम शरणम प्रपद्ये, प्रपद्ये यानी सरेंडर, मैं आपकी शरण में सरेंडर होता हूँ, ये बोल दे तो भगवान उस व्यक्ति को तुरंत स्वीकार कर ले। ऐसा कोई उदाहरण जहाँ पर भगवान ने क्वालिफिकेशन ना होते हुए लोगों को अपनी शरण में एक्सेप्ट किया हो, कोई बता सकते हैं उदाहरण? हाँ जी, गजेंद्र और शबरी और बस दो, जटायु, सारे राम रामचरित उसी रामायण से मालूम है आपको, गजेंद्र भागवत से है। हाँ, और बलि महाराज, ओके, सुदामा, हाँ जी, और इधर वाली टीम पंचमुखी बैठे, पंचमुखी, हाँ, गजग्रह तो हो गया, गजेंद्र, कालिया, कालिया। देखिए पांच ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे तो अन्य अन्य उदाहरण हैं, परंतु पांच उदाहरणों पर हम चर्चा करें। पहला उदाहरण है विभीषण। विभीषण को राक्षस होते हुए भी भगवान ने अपनी शरण में लिया, क्यों क्यों लिया? हाँ जी, शरणागति कहाँ वो रहता था? लंका में, राम जी थे अयोध्या में, शरणागति कहाँ करी थी? राम नाम तो लेता था, लेकिन राम नाम तो भक्ति का अंग है, यहाँ तो शरणागति की बात हो रही है। हाँ जी, वो भक्ति है, शरणागति है कि मुझ में कुछ नहीं है, प्रतिकूल अनुकूल मुझे मालूम ही नहीं है, मैं तो गिर गया हूँ, पतित हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रभु बचा लो। हनुमान, अभी बताया था ना, आश्रय श्रेय, राम की शरण में थे हनुमान, और हनुमान जब पहुंचे लंका में तो उन्होंने देखा राम नाम अंकित ग्रह शोभा वर्णी न जाए, इतनी सुंदर शोभा है, राम नाम लिखा हुआ है, किसका घर है? तब जाकर उन्होंने हनुमान से पूछा, हनुमान जी पूछते हैं, विभीषण जी आप तो राम भक्त लगते हैं, कैसे भजन कर रहे हैं इस प्रतिकूल स्थिति में? कहा जैसे जीव दांत के बीच में रहती है वैसे करता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा यहाँ क्यों रह के कर रहे हो, बाहर ही चलो ना, राम जी आए हुए हैं कॉर्नर पे, दूसरे किनारे चलो वहाँ जाओ। कहा अरे ऐसे कैसे आऊँ, ये विभीषण कहता है रावण छोड़ेगा नहीं मुझे, कह रहे हैं जो डर गया वो मर गया, बोले डरने की बात है, चलो शरणागति कर दो। हनुमान जी ने जो इंस्पिरेशन दिया ना, विभीषण उड़ते हुए आ गए और आकर के शरणागति करी भगवान। तो विभीषण की शरणागति किसके कारण हुई पंकज जी, किस कारण से? दूसरी शरणागति हुई प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज जिनके लिए होली उत्सव मनाया जाता है, उनकी बुआ गोदी में लेकर बैठ गई लकड़ी जलती पे, बुआ जल गई जिसको ब्रह्मा का आशीर्वाद मिला था, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। फिर भी लोग जोर जोर से बोलते होलिका मैया की जय। अरे होलिका तो राक्षसी थी ना, हिरण्यकश्यप की बहन थी, किसकी जय कर रहे हो? राक्षसों की। प्रहलाद की जय बोलना चाहिए होली पर, प्रहलाद की जय, प्रहलाद की रक्षा करी भगवान ने, या भगवान नारायण की जय, कृष्ण की जय, विष्णु की जय। लेकिन प्रहलाद की शरणागति हुई कैसे, किस कारण से हुई, किसका आश्रय लिया? नारद जी का आश्रय लिया। नारद जी आधार बिंदु, अगर नारद जी ना होते तो प्रहलाद की शरणागति उस हद तक नहीं हो पाती कि हर परिस्थिति में भगवान को भजन कर सके।
तो किसी ना किसी व्यक्ति के कारण शरणागति होती है, किसी भक्त के कारण। इसलिए भगवान कह रहे हैं आश्रय श्रेय यद पाप आश्रय श्रेय। सुग्रीव महाराज भगवान की शरण में गए, सब कुछ शरण में दे दिया, किस कारण से? हनुमान। हनुमान ना होते तो सुग्रीव ना होते, है ना। और कालिया नाग, कालिया ने भगवान को शरण में गया, पिटाई हुई जब, तो शरण में किसकी गया? डायरेक्ट भगवान तो लेते नहीं अपनी शरण में, नाग पत्नियां। तो जब पिटाई हुई तब भगवान आए क्यों? गरुण तो दुश्मन था। यमुना, यमुना मैया ने कहा कि इसने मेरी शरण ली है, भले पापी है, दुराचारी है, अनक्वालिफाइड है, भगवान का भक्त नहीं, लेकिन क्यों? मैं भगवान की अर्धांगिनी हूँ, भगवान मुझ में क्रीड़ाएँ करना चाहते हैं, तो मैं इस पर एक अहेतु की कृपा करती हूँ कि भगवान ये अनक्वालिफाइड है, दुराचारी, पर आप आइए और इसको शुद्ध कर दीजिए। तब भगवान ने कालिया की शरणागति यमुना के कारण करी। गजेंद्र, गजेंद्र की शरणागति किस कारण से हुई? हाँ जी, ग्रहण तो खुद ही भक्त नहीं था, उसके कारण कैसे हुई? हाँ जी, दुर्वासा मुनि के कारण थोड़ी, मगरमच्छ तो खुद ही भक्त नहीं था, अगर भक्त होता तो पैरी काय को पकड़ के बैठता, भक्त तो किसी को परेशान नहीं करते, तो कौन किसके कारण? गजेंद्र ने जब फंस गया था, 1000 साल तक युद्ध चला, नाक कान डूबन लागे, जब डूब गया तब कृष्ण को पुकारे, पहली बार में थोड़ी पुकार लिया कि पैर पकड़ा, मगरमच्छ ने तुरंत शुरू हो गया, अखिल ब्रह्मांड नायक घूड़ाया महापुरुषाया, ऐसे थोड़ी शुरू हो गया था, इतना अच्छा नहीं था। 1000 साल तक अपनी शक्ति लगाई, जब पूरा हार गया, स्तुति करना प्रारंभ किया, तो अंत में गरुण पर बैठकर जब भगवान आए, तो लक्ष्मी जी ने अपना लीला कमल, उसको कहा कि बिना कुछ दिए शरणागति नहीं होती है, कुछ ऑफर करो भगवान को, घामा घा सूखी स्तुति गाए चले जा रहे हो, कुछ दो भगवान को। अब लोग बोलते हैं वहीं से कमल तोड़ा और चढ़ा दिया। 1000 साल जहाँ युद्ध चला हो, वहाँ एक आध पौधा बचेगा? हाथी जहाँ बार बार अंदर जा रहा, सरोवर है वहाँ पर 10-15 कमल 50-100 कमल होंगे, सारे कमल नष्ट नहीं होंगे? 1000 साल युद्ध चल रहा है और बचेगा कोई कमल? तो कहाँ से कमल उसने भगवान को दे दिया? तो लीला कमल लक्ष्मी जी ने लाकर कहा, ये ले, चल स्तुति कर रहा है इतनी देर से, शरणागति कर, पुष्प चढ़ा भगवान को। तो जैसे ही कमल पकड़ा और अंत में गोविंदाय नमो नमः, गोविंद की शरण में पुष्प चढ़ाया, लीला कमल, तो भगवान ने उसकी शरणागति स्वीकार करी। तो बिना भक्त की कृपा के किसी व्यक्ति को शरणागति मिलती नहीं है। तो इस प्रकार बताते हैं, भागवत में, रामायण में, हर जगह आपको मिलेगा भगवान शरणागति को नंबर 1 प्रदान करते हैं। जैसे भगवान रामायण में कहते हैं, सक्रदेवा प्रपन्नाया त्वास्मितम च याचेत अभयम सर्वभूतभ्यम ददामे तदमृतम ममहा। क्या व्रत है भगवान का? आप लोग व्रत करते हो ना, एकादशी, जन्माष्टमी और करवा चौथ, क्या क्या करते हो पता नहीं, इतने सारे व्रत करते हो, व्रत का मतलब क्या है? व्रत यानी मैंने ये व्रत वाव लिया है कि मैं ऐसा करूंगा, आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा, आज मैं सुबह से शाम तक भूखा रहूंगा, इसे व्रत कहते हैं, वाव नियम। तो भगवान का भी एक व्रत है, भगवान भी व्रत करते हैं, ऐसा नहीं भगवान खाते पीते और आपको व्रत करवाते हैं, भगवान भी व्रत करते हैं। भगवान कह रहे हैं रामायण में, वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यम, मैं सभी लोगों को अभय प्रदान करूंगा, अभयम सर्वभूतेभ्यो, भूत यानी हर जीवात्माओं को, अभयम सर्वभूतेभ्यम ददामि तदम व्रतम ममः, ये मेरा व्रत है, ये मेरा व्रत है कि मैं सबको अभय, निडर बना दूंगा। किसको? सक्रत प्रपन्नाय, जो संपूर्ण भाव से मेरी शरण में यहाँ है। चलते फिरते मोटर गाड़ी, आप शराब पी के गाना बजा रहे हो, डीजे वाले बाबू गाना बजा दे, कृपा कर दे ठाकुर जी, ऐसे नहीं होता। एक दिन शरणागति दिखा दी, अब अगले दिन शराब पियेंगे, नाचेंगे, ओए बल्ले बल्ले शादी है बड़े बड़े, और भगवान कृपा करेंगे? क्यों करेंगे? आपने शरणागति की है ना, ना ना ना,
भगवान शरणागति तभी करते हैं, सक्र देवा प्रपन्नाया त्वास्मिन् च याचयेत्, जिसको मेरी याचना है, जो मुझे मांगता है, प्रभु बहुत दुख दिए जीवन में, अब आ जाओ मेरा हाथ पकड़ लो। तब भगवान कहते हैं व्रतम ममहा, मेरा व्रत है, उसको निडर बना देता हूं, सारे दुख दर्द दूर कर दूंगा, शरण में तो आओ। और भगवान की शरण में जाने का मतलब डिवोटी की शरण में जाओ, डिवोटी जो बोल दे उस बात से लेफ्ट राइट नहीं करना, अपना मन मत चलाना। हनुमान ने बोला, विभीषण ने पालन किया, हनुमान ने बोला, सुग्रीव ने पालन किया, यमुना ने बोला, कालिया ने पालन किया, नारद ने बोला, प्रहलाद ने पालन किया, नारद ने बोला, ध्रुव ने पालन किया। जहां डिवोटी बीच में है तभी भगवान की शरणागति हो सकती है। कहते हैं कि हर चीज के लिए मुहूर्त की आवश्यकता होती है, विवाह मुहूर्त, विवाह मुहूर्त में किया जाता है, बोले शुभ मुहूर्त विवाह का कौन सा है, कौन से महीने में किया जाए विवाह, गृह प्रवेश कौन से मुहूर्त में किया जाए, बताइए कौन सा मुहूर्त होना चाहिए, शुभ मुहूर्त होना चाहिए तब शादी होती है, गृह प्रवेश होता है। बोले कब करें विवाह मुहूर्त। अच्छा एक प्रश्न उठता है, घर का मुहूर्त करके एंट्री के लिए मुहूर्त ढूंढा और घर में आग लग जाए, अब भागने के लिए कौन से व्यक्ति देखे हैं जो जाते हैं, पंडित जी घर से निकलने का मुहूर्त बताइए, आग लगी हुई है घर में, है कोई ऐसा, घर में गए तो मुहूर्त था, घर में भूकंप आया, बिल्डिंग गिरने वाली, अभी टर्की में बिल्डिंग गिर रही थी, बिल्डिंग गिर रही है आपको दिख रही है और आप भागने का टाइम है, कौन सा व्यक्ति मुहूर्त निकलवाने जाएगा, बोले घर से निकलने का मुहूर्त बताइए, बताओ क्यों नहीं मांगते मुहूर्त, हाँ जी एमरजेंसी, और ये लोग बैठे हैं सब, शरणागति तो गूंगा बहरा कोई भी कर सकते हैं, सब बोल सकते हैं, बताइए, हाँ जी अर्जेंसी है, एमरजेंसी है, और मर जाएंगे भय, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है तो भाग, पंडित जी के पास जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुरंत कर देता है एमरजेंसी समझते हुए। आप लोगों ने आज तक शरणागति इसलिए नहीं करी क्योंकि आपको आज तक एमरजेंसी, रोज गा रहे संसार दावा नलली डलोका त्राणाय कारुणा घना घनत्वम, संसार दावा नल, इसका मतलब क्या, संसार में, और आग लगने से बचने का रास्ता क्या है, शरणागति। भगवान बारिश ले आएंगे और बारिश आते ही वो आग बुझ जाएगी, लेकिन आप शरण में नहीं आ रहे क्योंकि आपको इमरजेंसी फील नहीं हो रही है, आप मुहूर्त ढूंढ रहे हो, प्रभु जी घर में भजन करवाना है मुहूर्त बता दो, क्योंकि आप इमरजेंसी थोड़ी समझ रहे हो, आप तो एक औपचारिकता निभा रहे हो। जिस व्यक्ति ने, भगवान कह रहे शरणागति के लिए काल को अपेक्षित किया गया, काल की जरूरत नहीं है, बोले अरे काल की जरूरत नहीं है ऐसा कैसे, बोले नहीं, मंदिर बनाने के लिए काल की आवश्यकता हो सकती है, मुहूर्त हो सकता है, लेकिन भगवान की शरणागति ज्ञान के लिए जरूरत हो सकती है, भक्ति के लिए जरूरत हो सकती है मुहूर्त की, लेकिन आपकी शरणागति के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। किसी भी पल, जिस पल के मन में भाव आए, बहुत भाव, टू मच इज टू मच, छोड़ो इस जगत को चलो, और बस हो गया शरणागत भगवान की, उसे शरणागति कहते हैं, लेकिन हम ऐसी शरणागति नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ने बोला रामचरितमानस में, कोटि विप्रवद लगहि जाहूं, आए शरण तजहु नहीं ताहूं, सन्मुख होई जीव मोहि जबही, जन्म कोटि अतना सही तबही। जिस पल व्यक्ति मेरी शरण में आ जाएगा, करोड़ों करोड़ों जन्मों के उसके पाप पल भर में नाश कर दूंगा। सन्मुख होए जीव मोहि जबही, जिस पल मेरी सन्मुख हो गया, जन्म कोटि अघ ना सही तबही, तभी उसके अघ यानी पाप का नाश कर दो। अब व्यक्ति बोल रहा है कष्ट बहुत है, प्रारब्ध है, प्रारब्ध है, प्रारब्ध क्यों है, पुराने पाप है उसका फल है, पाप काटना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, भगवान के सन्मुख होना पड़ेगा, शरणागत होना पड़ेगा। क्या भगवान हमारे उपाय बनने को तैयार है, क्या भगवान ये उपाय बनने को तैयार है कि हम तो कर नहीं पा रहे, हे नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे होंगे इस भव से किनारे, इस भव को पार करना है प्रभु, आप ही हमारे अवगुण देखेंगे तो कैसे हम जाएंगे, तो उपाय आप ही बताइए। भगवान कहते हैं मैं उत्सुक रहता हूं उपाय बताने के लिए, लेकिन जब तक तुम्हें अपनी बल
बुद्धि पर यकीन होता है कि मैं कर लूँगा, तब तक मैं उपाय नहीं बताता हूँ। लेकिन जब तुम पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हो कि अब मेरे बल की बात नहीं है, मेरी बल मेरी बुद्धि सब खत्म है, बल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, जब आप बल बुद्धिहीन समझोगे तभी तो शरणागति है। आप सोच रहे हो नहीं नहीं आई कैन मैनेज, हु आर यू, हाउ विल यू मैनेज, बिकॉज ऑफ माई इंटेलिजेंस, हम ऐसा कर लेते तो ऐसा नहीं हो जाता। अरे कैसा हो जाता, कुछ नहीं होता, आपके सोचे नहीं होता है, भगवान के सोचे होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे हमारा तुम्हारा प्लान नहीं चलता है, कृष्णा का प्लान चलता है, बनाते रहो प्लान, बिगड़ते रहेंगे टूटते रहेंगे, कृष्णा का प्लान चलता है। बोले एक व्यक्ति जो निम्न स्तर का होता है कहता है तेरा जो है वो मेरा है और मेरा तो मेरा है, निम्न स्तर का व्यक्ति क्या कहता है, तेरा है वो मेरा है और मेरा है वो मेरा है, ये निम्न स्तर का व्यक्ति है। जो मध्यम स्तर का व्यक्ति है वो कहता है जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो अपना अपना कर लो। जो उत्तम स्तर का व्यक्ति होता है वो कहता है जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो तेरा है, तेरा भी तेरा और मेरा भी तेरा, ये उत्तम स्तर का व्यक्ति है। तो एक ज्ञानी व्यक्ति आया और कहता है क्यों करते हो झमेला, ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, सब कुछ तो भगवान का है। तुम्हारा है क्या, तेरा मेरा मेरा तेरा क्या करो। लोग दानी बनते हैं, हमने दान दिया, हम दान देकर आए क्योंकि ये मेरा था, अब मैं तेरे को दे रहा हूँ, बोले तेरा है ना मेरा है, ये तो उसका है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचाय जगताम जगत, इस जगत में सब कुछ भगवान का है। तो गजेंद्र जब बल बुद्धिहीन हुआ तब उसने प्रार्थना करी, नारायणम अखिल गुरु भगवान नमस्ते। नारायणम अखिल गुरु, इस संसार के अखिल गुरु हो आपको मैं नमस्ते करता हूँ। द्रौपदी ने स्तुति गाई थी, जब द्रौपदी के ऊपर बल बुद्धि बलहीन हो गई तब द्रौपदी कहती है कृष्णा कृष्णा महायोगिन विश्व आत्मना विश्वभाना प्रपन्नम पाही गोविंद कुरु मे, हे गोविंद मेरे को रक्षा करो, अब मैं आपकी शरण में आई हूँ। यानी कि बलहीन आपको ऐसा हो जाए बिल्कुल 0/0 हो गए तब शरणागति है। शरणागति मेटीरियल लेवल पर होती नहीं है, आप अपनी बुद्धि से शरणागति कर ही नहीं सकते। शरणागति होती है जब बल बुद्धिहीन, कार्पण्य दोषम उपहस्य भावा प्रच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। जब कार्पण्यता का भाव आया ना कि मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, पसीने आ रहे हैं, हे कृष्णा धनुष छूट रहा है, कृष्णा आप बताओ, शरणम अब मैं आपकी, शाद इमाम त्वम प्रपन्नम। शरणागति का पर्यायवाची सिनोनिम है प्रपन्नम, प्रपद्धे प्रपन्नम शरणम शरणागति, ये सब एक ही है पर्यायवाची। शाधि माम त्वम प्रपन्नम कब हुआ, कार्पण्य दोष, जब कार्पण का दोष आया ना, हेल्पलेसनेस, कुछ हो नहीं पा रहा हो नहीं पा रहा, बोले ठाकुर जी डॉक्टर ने दवाई दे रही दे दी, वेंटिलेटर पर चले गए, तुम लोग क्या बोलते हैं, प्लीज प्रे फॉर माई फादर माई मदर माई सिस्टर माई ब्रदर। अब प्रार्थना क्यों याद आई, जब सुखी थे तब कहाँ गई थी तुम्हारी प्रार्थना, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को आएगा, छोटा मोटा चला जाएगा, भगवान की शरण में है शुद्धिकरण कर देंगे भगवान। भक्तों का लंबा ड्यूरेशन का प्रॉब्लम नहीं होता, आता जाता। लेकिन भौतिक संसार के लोग, कोविड काल में हुआ था प्रॉब्लम, 3 साल से अभी भी संसार में तड़प रहे हैं, कह रहे अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा, हेल्थ ग्रो नहीं कर रही है, घर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। अरे अब तो शरण में आ जा, बल बुद्धिहीन तनु जान के बल बुद्धि समझ ले। लेकिन ऐसा व्यक्ति सोचता नहीं है, कोई कंजूस है तो कोई महाकंजूस है लेकिन भगवान की शरण में नहीं आता। लेकिन अगर कोई बहुत कंजूस व्यक्ति हो, महाकंजूस, महाकंजूस जानते कौन होता है, कंजूस महाकंजूस और एक होता है मक्खी चूस। मक्खी चूस होता है, अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो कहता अरे इतना दूध पी गई, निकालता है चूसता है और फेंक देता है मक्खी को, मेरा दूध इतना भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं मक्खी चूस। अगर ऐसे मक्खी चूस कंजूस की कोई भिखारी प्रार्थना करता रहे दे दे बाबा भगवान के नाम पर दे दे, वो देगा नहीं देगा, ए चल आगे चल इतनी देर से शोर में जा आगे, पुलिस को बुलाऊं क्या। लेकिन अगर वो उसके पैर पकड़ ले और सिर रख दे
बोले कुछ भी दे दो, रोटी दे दो, पर भूख लगी दे दो, तो देगा कि नहीं देगा? पैर पकड़ने से तुरंत एक महाकंजूस व्यक्ति भी दे सकता, अवश्य देगा। लेकिन जो अपार वात्सल्य के सागर हैं, क्या आप उनकी शरणागति करेंगे? तो नहीं देंगे। जब आप 5-स्टार होटल में जाते हैं तो वहाँ पर गार्ड खड़े होते हैं, वो आपको सल्यूट मारते हैं, तो जो पैसे वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जेब से 1,000 रुपये, 500 रुपये, 2,000 रुपये निकाल कर उसको टिप देते हैं। जब खाना खाने होटल में जाते हैं तो जो वेटर सर्व कर रहा होता है, खाने के बाद लोग उसको 100-200 रुपये टिप का देते हैं। जो सेवा कर रहा है, जो सल्यूट कर रहा है, उसको टिप मिल रही है। आप भगवान की सेवा करोगे, भगवान को सल्यूट मारोगे, प्रणाम करोगे, शरणागति हो जाओगे, जो लक्ष्मीपति हैं, धनवान हैं, संसार के सबसे बड़े, वो आपको टिप नहीं देंगे। उनकी टिप कैसे होगी? ये ले 2 करोड़ रुपये, ये ले 5 करोड़। लेकिन लोग सोचते नहीं नहीं, भगवान थोड़ी तो मूर्ति है, आस्था के लिए बनाई गई है, ताकि वो निराकार के प्रति मेरा प्रेम हो जाए। नहीं नहीं जी, गलत है आप, यही भगवान है। विग्रह अवतार भगवान का 5वां अवतार है, 5th incarnation ऑफ कृष्णा इन द मटेरियल वर्ल्ड इज विग्रह अवतार, आर्चा विग्रह अवतार, यही भगवान है। नाम अवतार है भगवान का, नाम कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। आप नाम जब करो हरे कृष्ण, हे भगवान कब सुनेगा मेरी, हरे कृष्ण कब दर्शन देगा, हरे कृष्ण हरे, अरे यही तो भगवान है। ऐसे निकालो माला को देख लो, यही तो भगवान है, बोल रहे कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। लेकिन नाम मान नहीं रहे कि नाम में कृष्ण है, यही शरणागति की प्रॉब्लम है, नहीं शरणागति एक्चुअली। तो एक बछड़ा धूल में लपटा हुआ हो, धूल में पूरा मिट्टी में है, और अपनी माँ के पास आता है, तो माँ क्या करेगी? चाटेगी। यही तो वत्सल्य भाव है, और इसीलिए उस बछड़े को वत्स कहते हैं, क्योंकि ये माँ के द्वारा चाटा जाकर साफ किया जा रहा है। हिंदुस्तान की हो या विदेश की हो, कोई भी माँ अपने डिलीवरी होने के बाद अपने बच्चे को जीभ से चाट सकती है? डॉक्टर क्लीनिंग करता है, रुई से ब्लड निकालता है, सारा हटाता है, उसके बाद जब साफ सुथरा हो जाता है बच्चा, डिप करके डिटॉल के पानी से, तब माँ को लेते, तब भी माँ चाटती नहीं, बस पास में सुला लेती है। चाटती कौन सी माँ ने चाटा होगा अपने बच्चे को अपनी जीभ से, है ना? लेकिन गाय माता एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को चाट चाट करके धूल में धूसित पूरा का पूरा उसको चाटती है और खड़ा करती है। गाय के बच्चा चलना सीखता है अपनी माँ के चाटने से, उसके पैरों को चाट चाट के स्ट्रांग बनाती है, तब बच्चा चलता। इसलिए वत्स कहते हैं बछड़े को, और इस भाव को वात्सल्य भाव, वत्सल्य भाव जो गाय के अपने बच्चे के प्रति है। इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं? भक्त वत्सल्य। भगवान अपने भक्तों को क्या मानते हैं? अपना बछड़ा मानते हैं, इसलिए उनकी गंदगी को भगवान चाट चाट के साफ करते हैं। कह रहे कोई बात नहीं, तू धूल में, तू गंदा है, तू पापी है, लेकिन है तो मेरा, चाटते हैं भगवान। फिर धूल में गंदा हो जाता है बछड़ा, फिर गाय चाटती है, फिर हम गंदे हो जाएंगे, फिर कृष्ण चाट चाट के साफ करेंगे, हमारे पैरों को स्ट्रांग बनाते हैं, पूरा स्ट्रांग बनाते हैं। ये कृष्ण की अद्भुत कृपा, इसे वात्सल्य भाव कहते हैं। क्या शरणागति कोई भी कर सकता है? किसी भी जन्म का हो, किसी भी रंग का हो। जैसे शबरी ने शुद्ध वर्ण में जन्म लेकर के भगवान राम की प्राप्ति करी, निषाद राज ने एक जंगली बहेलियों की जाति में पैदा होकर भगवान की प्राप्ति करी, सुग्रीव ने बंदर की जातियों में पैदा होकर वानर जाति में भगवान की प्राप्ति करी, विभीषण ने राक्षस जाति में पैदा होकर भगवान की प्राप्ति करी, विदुर ने दासी पुत्र होकर भगवान की प्राप्ति करी, अनेक उदाहरण, प्रहलाद राक्षस थे, जटायु पक्षी थे। भगवान की प्राप्ति के लिए केवल शरणागति की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं गीता में, माम हि पार्थ व्यपाश्रिताये ये अपि सुयो पाप योनियो स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रो अपि यान्ति पराम गतिम। कभी कभी लेडीज ऐसा बोलती हैं, एक्चुअली अगर हम भी काश मेल होते ना तो हम भगवान की भक्ति कर सकते थे, हम फीमेल है ना तो हमको बहुत कुछ सुनना पड़ता है समाज का। ये गलत फहमी है। भगवान का ये श्लोक पढ़िए, 9 के अंदर भगवान कह रहे हैं स्त्रियों, स्पेशली भगवान ने बोला स्त्रियों, सुन लो स्त्रियों, मत हो जाओ अपने पुरुष के ऊपर निर्भर। स्त्रियों वैश्यो, बिजनेसमैन कह सकता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं धंधा नहीं करूंगा तो मंदिर कैसे बनेगा, चंदा कहां से आएगा, मुझे बिजनेस करना है इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मेरा उद्धार नहीं हो सकता। वैश्यो और
भगवान कह रहे शूद्रो, शूद्र कहे भाई मैं तो नीची जाति का हूँ, मैं तो झाड़ू सफाई करता हूँ, मेरी को कहाँ भगवान अपनी शरण मिलेंगे। भगवान ने कह रहे हैं माम ही पार्थ विपाशुत्तये ये अपि स्यु पाप योनि हो, किसी भी पाप योनि में हो, किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो व्यक्ति स्त्री को सोच रहा हो कि मैं स्त्री बन गई मैं कैसे भक्ति करूं, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, भगवान कह रहे हैं यांतिम पराम गतिम, मैं सबको परम गति देता हूं, लेकिन किस कारण से? शरणागति, शरणागति। तो शरणागति श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं शरणागति के 6 लक्षण हैं जिसको हमें जानना चाहिए कि किस प्रकार की शरणागति होनी चाहिए। तो एक बार 2 कीड़े थे, क्या थे? दरार होती है ना जब दीवार में कुछ क्रैक्स आ जाते हैं तो वहां कीड़े छिपकलियां रहते हैं, तो 2 कीड़े आपस में बात कर रहे थे। एक कीड़ा कहता है कि यहां पर बहुत जंगली जानवर हैं, लेकिन अगर मुझे इस पहाड़ के उस पार चला जाऊं ना तो वहां मैं मर के भी खुश हूं, क्योंकि वहां पर मिठाई की दुकान है, उस मिठाई की दुकान पहाड़ के पार है, लेकिन आज मैं चलना शुरू करूं तो किसी न किसी हाथी के पांव के नीचे आ जाऊंगा, मर जाऊंगा, वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा, तो मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा कई लोग सोचते हैं मैं स्त्री हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, मैं छोटा हूं, मैं मेटीरियल हूं, मैं बुड्ढा हूं, मैं तो लेट आया हूं, मैं पता नहीं भक्ति कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बहुत मेटीरियली इंटेलिजेंट समझता था, मैं नलायक हूं, कुछ भी सोच सकता है व्यक्ति अपने बारे में। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये सब सोचना बंद कर दो, एवरीथिंग रिमूव। मैंने तो मैं ब्राह्मण कुल का था, बड़ा ज्ञान था, कुछ नहीं है, आप भगवान के सामने जीरो हो जाओ। तो कीड़े ने कहा कि मैं यहां से उस मिठाई की दुकान तक पहाड़ के पार चला जाऊं, मिठाई खा के मरना चाहता हूं, लेकिन जाऊं कैसे? दूसरा कीड़ा बोला तू फालतू बातें करता है, ऐसा कभी होने वाला नहीं है, यहीं रहे। कह रहे नहीं जाना तो है, कैसे जाऊंगा, ये दिमाग लगा रहा हूं। तो दूसरा वाला कीड़ा उसको निरुत्साहित करने लगा, डिप्रेशन, अरे ये सब पागलपंती की बातें हैं, भगवान भगवान किसने देखा, ऐसे बोलते हैं ना, बोला मिठाई की दुकान पहाड़ के पार किसने देखी है, सुना ही तो है कि मिठाई की दुकान है, देखी है था किसी ने, बताया आकर के, कोई लौटा है वहां से आज तक, नर्क है स्वर्ग है कोई लौटा है, किसी ने बताया है, भगवान है कृष्ण है किसी ने देखा है क्या, कौन बता सकता है, ऐसे लोग बोल कीड़े के जैसे। तो इस कीड़े ने कहा मैं करके तो दिखाऊं, तो उसने देखा उस वन का राजा शेर, वो बड़ी लंबी लंबी छलांगे मारता है, पहाड़ी के उस पार इस पार घूमता रहता है, तो वो शेर एक दिन पहाड़ी से इस पार उतरा, तो ये वाले कीड़े ने थोड़ा सा ताकत, थोड़ा निडरता दिखाई और शेर की दाढ़ी पकड़ ली और दाढ़ी के अंदर जाकर बैठ गया। अब शेर ने वहां से पहाड़ पे छलांग लगाई, 1 और 2 छलांग में उस पार पहुंच गया शेर। तो कीड़े ने जब देखा कि हाँ मिठाई की दुकान की सुगंध आ रही है, तो उसने भी दाढ़ी को छोड़ दिया और 1 छलांग में मिठाई की दुकान पर पहुंच गया। और वो दूसरा कीड़ा था जो फालतू बातें कर रहा था, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये धर्म वरम ये नकली है, ये इंसानों ने बनाया हुआ है, वो वहीं दरार में मर गया, लेकिन ना मिठाई मिली, ना उसको संतुष्टि मिली, ना वो उस पार पहुंचा। यानी कि अगर किसी भक्त की शरण ग्रहण कर लो जिसमें छलांग लगाने की शक्ति है, वो आप में कितने भी पाप क्यों ना हो, आप में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितनी कमियां क्यों ना हो, डिस्क्वालिफिकेशंस क्यों ना हो, बट इन वन गो यू कैन रीच टू कृष्णा। तो 6 लक्षण बताए हैं, इसको हम बताएंगे उसके बाद विल एंड। यहां पर बताया है अनुकूलश्च संकल्प प्रतिकूलश्च वर्जनम रक्षति इति विश्वासो गोतृप्तः वर्णम ततः कार्पण्यात्म निक्षेपः षड्विधा शरणागतिः। 6 षड्विधा 6 types of शरणागति सरेंडर। 6 पहला है अनुकूलस्य संकल्पः, कब कहलाएगा कोई व्यक्ति, कैसे चेक करें हम शरण में है कि नहीं, तो 6 सिम्टम है। बुखार है तो कैसे चेक करें, थर्मामीटर लगाएंगे, गर्म हो रहा है माथे पर टच करेंगे, खांसी हो रही है, दर्द हो रहा है, चेक करते हैं बीमार है व्यक्ति। तो 6 लक्षण बताते हैं इसमें शरणागति आई कि नहीं आई। पहला अनुकूलस्य, जो चीजें भक्ति के अनुकूल हैं उन्हीं को मैं पालन करूंगा, बाकियों को नहीं करूंगा। अनुकूलस्य संकल्पः,
प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो मेरी भक्ति से दूर ले जाएंगी उनको मैं छोड़ दूंगा, चाहे मुझे करोड़ों रुपए क्यों ना मिले। करोगे ऐसा? करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि शरणागति, जब शरणागति होगी तो करोड़ों रुपए को रिजेक्ट करने की शक्ति आती है। व्यक्ति को संसारी ऐश्वर्यों को भोग करने की शक्ति आती है, उसको लात मार देता है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। शरणागति का मतलब ये नहीं होता भिखारी शरणागत होता है, उसके पास कुछ नहीं है तो बोले आप क्या करें, आप शरणागति कर लेते। नहीं, सब कुछ है लेकिन हमको नहीं चाहिए। अर्जुन के पास पूरा साम्राज्य था, भगवान कह रहे तुम लड़ो, कह रहे नहीं मुझको नहीं चाहिए, मैं तो आपकी शरण में आया हूं। भोग करने की सारी की सारी व्यवस्था भगवान ने बनाई है, फिर भी मुझे नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं मुझे शांति, मैं शांति चाहता, बोलते हैं कि नहीं? गौतम बुद्ध के पास एक बार एक व्यक्ति गया, बोला मैं शांति चाहता, तो बोले बड़ा सिंपल है, लिखो एक पेज पर। तो उसने दीवार पे लिखा मैं शांति चाहता हूं। तो उन्होंने कहा इसी पत्थर से जिसे तुमने दीवार पे लिखा है मैं को काटो, जीवन में से मैं को निकाल दो कि मैं कुछ हूं और चाहता हूं, जीवन में डिजायर को काट दो तो क्या बचा? दो चीजें पकड़ के रखी हुई है, शांति नहीं होने देती आदमी को, मैं और चाहता। ये दो चीजों को डिलीट मार दो, मैं कुछ नहीं हूं, जीरो हूं, शरण में हूं और चाहता कुछ नहीं हूं, अनाभिलाषिता हूं, तो क्या बच गया? जब मेरी डिमांड ही नहीं है कि ये सारे जितने लोग हैं लेक्चर सुनते आएंगे, प्रभु जी बहुत अच्छा है, मुझे पता है जो डिवोटी हैं वो मिल लेंगे, जो डिवोटी नहीं है वो खड़े होंगे, प्रसाद खाने चले जाएंगे, शादी में आए चले, खत्म काम। मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो मुझे क्यों ऐसा लगेगा अरे विचलित हो गया, अरे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। हाँ पता है नए लोग हैं, इनको अच्छा नहीं लगेगा मेरी बात, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं और चाहता हूँ, जब चाहता ही नहीं हूँ और मैं तो कुछ हुई नहीं, भगवान का दास हूँ, तो क्या बच गई? एम पीसफुल। तो अनुकूल संकल्प प्रतिकूलस्य रक्षति इति विश्वासो, ये विश्वास है कि भगवान हमारी रक्षा। कीड़े को था विश्वास, विश्वास बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट इकाई है, इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है भक्ति का, शरणागति का, विश्वास, फेथ। विश्वास ही नहीं है तो आप उसके शरण में क्यों जाओ? जब आपके ऊपर कोई कोर्ट केस होता है, पुलिस केस होता है, आप सबसे पहले किसको फोन करते हो? हाँ जी, अरे वकील को नहीं करते, सबसे पहले किसको करते हो? सबसे ज्यादा जो आपका क्लोज होता है, पापा को, मम्मी को, पड़ोसी को, चाचा को, ताऊ को, फ्रेंड को, नंबर वन वही है जो आपके सबसे क्लोज्ड है। आपको पता करना मेरा सबसे नजदीकी कौन है, अपने आप देख लो, नंबर वन प्रॉब्लम में आप किसको फोन करोगे, वही आपका सबसे क्लोज है। और उस पर, उस व्यक्ति से पहले अगर भगवान का नाम आ सके तब शरणागति है कि भाई ये आदमी तो निमित्त है ना, पहले चलो मंदिर में दिया जलाते हैं उसके बाद कुछ काम करें, ऐसा होता है? होगा ही नहीं। हमारे गुरु महाराज इस्कॉन कुरुक्षेत्र की जमीन 20 साल से थी, उसके लिए प्रॉब्लम चल रही थी, केस चल रहे थे, लैंड एग्रीमेंट में फंसी हुई थी और वो हो नहीं रही थी। तो एक दिन फाइनल डिसीजन था 20 साल बाद कि गवर्नमेंट आज या तो ये जमीन हमसे ले लेगी और बोल देगी थैंक यू, अब ये केस आपको नहीं मिल सकता, या इसके एवज में दूसरी जमीन देगी। तो सुबह 10 बजे पहुंचना था और गवर्नमेंट ऑफिसेज में थोड़ा डिले होता है काम, तो महाराज पहुंच गए। जितने भक्त थे उन्होंने उस दिन माला ही नहीं करी, घबराहट थी ना कि जब शाम को डिसीजन हो उसके बाद ही कर लेंगे, शाम को आज बड़ी घबराहट है, आज आज परमिशन मिलनी। महाराज जी ने उस दिन अधिक माला करी और पूरा दिन माला करते रहे। भक्त पूछते भी थे महाराज कुछ पानी पीने के लिए लाएं, कुछ खाने के लिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। शाम को 5 बजे उन्होंने कहा हम ये लैंड ले रहे हैं पर हम आपको 6 एकड़ की नई लैंड प्रदान कर रहे हैं, तब जाकर महाराज ने पानी पिया। तो किसकी शरण ले रखी थी महाराज? महाराज फोन कर सकते थे, अरे बिजनेसमैन, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कितने डिवोटी थे इंटरनेशनली, प्रधानमंत्री को भी जानते हैं, आप मेरी हेल्प करिए, किसी को फोन नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। सो हु विल हेल्प? कृष्णा। ये जब
क्लोजेस्ट से ऊपर आ जाए तो आप शरणागति है आपकी, तब आप शरण भक्त के कहलाओगे कि आपने शरणागति कर रखी है। गोतृप्तः वर्णम तथा, कहते हैं वह खाली विश्वास ये मत करो कि भगवान रक्षा करेंगे, भगवान आपको इसमें पालन भी करेंगे, इस प्रॉब्लम से निकालेंगे भी, रक्षा भी करेंगे और आपका पोषण भी करेंगे। पता चले व्यक्ति ने खाना पीना नहीं खाया, भजन कर रहा था, मर गया, तो भगवान पोषण भी करेंगे उसको, वो मरने नहीं देंगे उसको, उस चीज़ का सुख प्रदान करेंगे। अगर ध्रुव ने 6 महीने तक हवा खाकर जीवन जिया, पत्ते खाकर जीवन जिया, तो भगवान ने 36,000 साल का राज्य प्रदान किया, वरना 6 महीने का था। भगवान प्रश्न गर्भ आए, कहते चलो ध्रुव मेरे साथ गोलोक वृंदावन, लेके नहीं गए, भगवान ने उनको कहा 36,000 साल का राज्य भोग करो। तो भगवान पालन पोषण भी करेंगे आपकी इच्छाओं का। कार्पण्य, जब आपके अंदर कर्म ज्ञान और भक्ति, इसका सब कुछ चला है, भक्ति भी कि हम भक्ति करते हैं, हम भक्त हैं, इसका भी अहंकार है। कर्म ज्ञान भक्ति इन सबको हीन समझना कि भाई मैं ना कर्म कर सकता हूँ, कर्महीना भक्तिहीना क्रियाहीना जनार्दन यत् पूजितम मया देवे परिपूर्णम तदस्तु में, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, आप बस क्या करो मुझे स्वीकार कर लो। और फिर अंत में है आत्मनिक्षेप, अपनी आत्मा जो आपकी है ये किसकी संपत्ति है, भगवान की है। आज सांस भी चल रही है तो किस कारण से चल रही है, भगवान चाहे तो सांस ना दे फिर क्या करोगे, लेकिन आदमी सोचता है नहीं नहीं ये सांस तो मेरी है, मेरी है, मैं कैसे भगवान की शरण में चला जाऊं। तो आत्मा जो कि भगवान की संपत्ति है और वो भगवान को वापस सौंप दें, अंश अंशी की शरण में चला जाए, ये हमारी शरणागति है। संसारी कार्य संसार के लिए हैं और भगवान के काम भगवान के लिए, तो हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपना सब कुछ त्याग कर सब कुछ भगवान की शरण में दे सके। भगवान ने जैसा गीता में कहा, जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, सब कुछ मेरी शरण में प्रदान करो, इसको शरणागति। तो आशा करते हैं आप सब भक्त लोग भगवान की कंप्लीट सरेंडर की जो बात करते हो, कंप्लीट सरेंडर दंडवत करना सरेंडर नहीं है, तिलक लगाना सरेंडर नहीं है, जब आप भक्त की शरण में यथारूप उसकी इच्छा के अनुरूप अपना जीवन जीते हो। आज हमने बताया पाप पद आश्रय आश्रय, अपनी इच्छा से नहीं जीवन चलता, यू हैव टू आस्क एंड यू हैव टू फॉलो, खाली पूछना नहीं है, टिकट बना लिया रामेश्वरम का या मायापुर का या वृंदावन का, है ना, प्रभु जी अभी घूम कर आए हमारे, आप तो पूछ के गए थे, नहीं नहीं पूछा था, अच्छा तो जा रहे हैं, जाने के बाद बोलते हैं प्रभु जी आपको बताना था हम जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए था, क्या जाने से पहले पूछा, आशीर्वाद तो हमेशा ही है, आशीर्वाद मेरा थोड़ी चाहिए, ठाकुर जी का चाहिए ना, ठाकुर जी ने नियम बनाया है कोई कि अपने मन से जो करता है वो मन की सुनता है, वो मन की होता है, और मंकी जो है इधर से उधर डाल पर कूदता रहता है लेकिन उसे शांति मिलती नहीं है, क्योंकि शांति कहाँ छुपी है, मैं में और चाहत में छुपी है। तुम्हारी घूमने की चाहतें बनी हुई हैं, मैं भी तो कुछ हूँ, मैं भी तो कुछ हूँ, प्रभु जी ने मेरे को कैसे बोल दिया, मैं भी तो कुछ हूँ, जब तक ये मैं है और जब तक चाहत है तब तक शांति मिलने वाली। आप शरण में आ जाओ, कंप्लीट सरेंडर करो, तो बोले जो आप कहेंगे, सारी तैयारी है, पूरी छुट्टी हमारी प्लान हो चुकी, हमारा पूरा परिवार घूमने जा रहा है, प्रभु जी बोल दिए नहीं आज मंदिर में सेवा है, कैंसिल कर सकते हो टिकट, एकदम नहीं, बोले प्रभु जी प्रैक्टिकल होना पड़ता है, फिर मंदिर वाले भी कहते चलो हो जाओ प्रैक्टिकल, ना तुम्हें मतलब ना हमें मतलब, तुम अपने काम में बिजी हम अपने काम में। शरणागति आप ही नहीं चाहते तो जबरदस्ती नहीं है, शरणागति प्रेम का विषय है। अगर भगवान को शरणागति करानी होती तो सबसे हृदय में नजदीक बैठे, बंदूक निकाल के खड़े हो जाए, बोले करता है कि नहीं मारू गोली, भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे जिस देवता में मस्ती है उसमें हम श्रद्धा बनाएंगे, तुम्हें काल की पूजा करनी है, महाकाल की करनी है, भूत प्रेत की करनी है, जो करना करो, मैं तुम्हारी श्रद्धा उसमें दृढ़ बनाता हूँ, क्यों, कृष्णा इंटरफियर नहीं, क्योंकि ये प्रेम की बात है, उद्धव प्रेम की बात है, जो प्रेम से आपकी शरण में आए, बोले प्रभु जी अब हमने सोच लिया जो आप बोलेंगे बस वही करना है और कुछ नहीं करना, यहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ पर तो बहुत कुछ है, फिर आप नकली फ्लावरी लैंग्वेज कुछ भी बोलो भगवान सब जान रहे हैं, अंतरात्मा में बैठे हुए उनको क्या बोलेंगे और क्या समझाएंगे, जहाँ प्रेम है वहाँ शरणागति है और शरणागति है वहाँ भगवान की प्राप्ति है। तो एक शब्द में अगर बोला जाए,
इस पूरे व्याख्यान को अगर एक शब्द में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? प्रवृत्ति है हमारी, हमारी प्रवृत्ति है घूमने फिरने की, है ना? तो घूमने फिरने की प्रवृत्ति जो है, हरे कृष्णा, घूमने फिरने की जो प्रवृत्ति है, हरे कृष्णा, कोई बात नहीं, जो घूमने फिरने की प्रवृत्ति है उसकी क्या कर दो? निवृत्ति कर दो। प्रवृत्ति की निवृत्ति, प्रवृत्ति की निवृत्ति, उसके आगे क्या हो जाएगी? प्राप्ति। किसकी? तो एक सेंटेंस में अगर इस पूरे को समझना हो तो क्या है? प्रवृत्ति निवृत्ति यथा प्राप्ति ही। प्रवृत्ति की निवृत्ति कर दो, आपको प्राप्ति हो जाएगी। प्रवृत्ति है ना हर व्यक्ति की, किसी की घूमने की है, किसी की क्रोध की है, किसी की अपना मन चलाने की है, किसी की मैनेजमेंट की है। प्रवृत्ति की निवृत्ति कर दो, वह प्राप्ति है, वह शरणागति है। सबकी अपनी अपनी हो सकती है, तो अपने आप पर ना लेकर जाएं। पर्सनली आप सब तो बड़े शरणागत लोग हैं और मैं आपसे प्रेरणा लेता हूं, तो डोंट, मैंने तो बस खाली शास्त्र बताया आपको, तो ये मत समझना कि प्रभु जी हमारे लिए बोल रहे हैं, हमें सुना रहे हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल सिंपल जो शास्त्र में लिखा है वो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और खुद भी समझने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप सब तो शरणागत हैं, आप लोग प्रार्थना करिए कि मैं भी भगवान की शरणागत हो सकूं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? अभी एक दो प्रश्न ले सकते हैं अगर कोई समझ